कोरोना महामारी की तीसरी लहर के अंदेशों को देखते हुए भिवानी लघु सचिवालय में बिना मास्क नो एंट्री, लोगों के किए चलान। हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत हरियाणा प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में आज भिवानी उपायुक्त व SP के निर्देशानुसार पुलिस ने बिना मास्क लघु सचिवालय में आने वाले लोगों के चलान किए। वहीं लघु सचिवालय के गेट नंबर 1 पर तैनात ASI दिलबाज सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज बिना मास्क पहने हुए दोपहर 12 बजे तक करीब 20 लोगों के चलान किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बिना मास्क पहने हुए लोगों के चलान के साथ साथ उनको भविष्य में मास्क पहनने की नसीहत दी गई है। माननीय DC साहब के आदेश अनुसार और माननीय SP साहब के आदेश अनुसार कोर्ट के अंदर बगैर मास्क के कोई एंट्री नहीं होगी। सरकार की जो आदेश है उसकी पालना कर रहे हैं, हर आदमी को चेक कर रहे हैं भाई, बगैर मास्क को उसको एंट्री नहीं होने देते और बगैर मास्क का जो है उसका चलान काट लग रहे हैं। बाकायदा सिविल लाइन से हमारा इंचार्ज आ रहा है जय भगवान, उससे चलान कटवाने लग रहे हैं। लगभग 20-25 चलान काट भी दिए हमने, और जो माननीय DC साहब के आदेश हैं और माननीय SP साहब के जो आदेश हैं उसके अनुसार लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सरकार को के आदेश के अनुसार लोगों के बीमारी के को देखते हुए भाई मास्क के आदेश है, मास्क पहनो और बगैर मास्क को एंट्री नहीं होगा और दूरी रखो। और सर जैसे किसी ने वैक्सीन नहीं लगवा रखी तो उनका थोड़ा सा बता सकते हैं कि उनको भी एंट्री? वैक्सीन के बारे में हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है, अभी ना हमारे पास वैक्सीन का कोई आदेश नहीं आया है। अभी फिलहाल हमारे पास मास्क के आदेश है, मास्क के बगैर मास्क के सेक्टर के अंदर कोई एंट्री नहीं है।